Realme 8 Pro और Redmi Note 10 Pro Max, इन दोनों फोन्स के 6GB RAM 128GB स्टोरेज, ये जो दोनों वेरिएंट्स हैं, इनके प्राइस में 2000 रुपये का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जहाँ पर Realme 8 Pro जो है वो 17999 का मिलता है, वही Redmi Note 10 Pro Max जो है वो 19999 का मिलता है। 2000 का क्लियर डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस जस्टिफिकेबल है या फिर नहीं, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। क्या आपको 2000 रुपये दे के Note 10 Pro Max खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, या फिर Realme 8 Pro खरीदना चाहिए, आज इस वीडियो में यही सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात, जो कॉमन चीज़ दिखाई देते रहे, कैमरा सेंसर्स। दोनों ही फोन्स में 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिखाई देता है, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। सैमसंग का HM2 सेंसर दोनों ही फोन्स में आता है, लेकिन Realme यहाँ पर पीछे पड़ जाता है, क्योंकि Realme का कैमरा सेटअप देखते हैं तो 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, और बाकी के दो सेंसर हैं वो किसी काम के नहीं, क्योंकि वहाँ पर दिखते हैं 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर। जहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max की बात करूँ तो वहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिखाई देता है। मतलब 2000 रुपये देखे आपको एक कैमरा सेंसर जो है वो अच्छा दिखाई देगा अगर आप कंपेयर करते। और बात करता हूँ सेल्फी सेंसर की, तो यहाँ पर Realme 8 Pro जो है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स में, लेकिन Realme 8 Pro में जो सेंसर आता है वो सोनी की तरफ से आता है। सोनी का IMX471 पुराना सेंसर है, लेकिन सोनी का सेंसर आता है, ये बात बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। और अब बात करते हैं दोनों ही फोन्स के डिज़ाइन के बारे में, मतलब लुक्स कैसे दिखते हैं। तो मुझे पर्सनली अगर आप Realme 8 Pro लेने वाले हो तो ब्लू कलर बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, जो ही पर Redmi Note 10 Pro Max है उसका जो डार्क नाइट वाला कलर है, मतलब ब्लैक कलर कह सकते हैं आप उसको, वो कलर बहुत ही बढ़िया दिखता है डिज़ाइन वाइज। लेकिन Realme 8 Pro जो है उसके अंदर बैक साइड में प्लास्टिक का पैनल आता है, वहीं पर Redmi Note 10 Pro Max है उसके अंदर ग्लास बैक देखने को मिलता है। ये अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आपको कवर जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अब बात करते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो Redmi Note 10 Pro Max जो है उसके अंदर 6.67 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आता है, 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस आती है इसमें, और सबसे खास बात, इसका टच सैम्पलिंग रेट जो है 240Hz तक जाता है। वहीं पर Realme 8 Pro की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक सुपर एमोलेड पैनल 6.4 इंचेस का दिखाई देता है, जिसकी ब्राइटनेस है, मतलब पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स तक। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात दिखाई देती है, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। ये टच सैम्पलिंग रेट जो है इससे जो टच रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिल सकता है। लेकिन ये जो डिस्प्ले, यहाँ पर कहीं पर भी Realme ने मेंशन नहीं किया कि ये Gorilla Glass 3 के साथ आता है, 5 के साथ आता है, तो ये डिस्प्ले थोड़ा कमजोर लगता है। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, यानी कि चिपसेट की। तो एक प्रो में जो चिपसेट दिखाई देता है वो Qualcomm Snapdragon 720G, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वहीं पर Note 10 Pro Max, इसमें जो चिपसेट दिखाई देता है वो भी Qualcomm Snapdragon 732G दिखाई देता है, जो कि इसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये भी चिपसेट जो है 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन दोनों ही का अंततः स्कोर देखते हैं तो 8 Pro, मतलब इसके अंदर जो चिपसेट आता है 720G, इसका अंततः स्कोर आता है 280,000 के अराउंड। वहीं पर अगर आप कंपेयर करते हैं 732G को तो उसका स्कोर होता है 301,000। मतलब परफॉर्मेंस में जो अंततः स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, एक नॉर्मल डिफरेंस दिखाई देता है, 10-20% जो है वो डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन परफॉर्मेंस में 732G कभी भी बेटर होगा अगर आप कंपेयर करते हैं 720G के साथ। और अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। जहाँ पर Realme 8 Pro है वहाँ पर 4500, मतलब कम बैटरी बैकअप दिखाई देती, लेकिन 50 वाट की फास्ट चार्जिंग दिखाई देती, मतलब फास्ट चार्जिंग का स्पीड जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro Max, यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है वो बड़ा दिखाई देता है, 5000mAh का बैटरी बैकअप, लेकिन 33W की फास्ट चार्जिंग दिखाई देते, मतलब फास्ट चार्जिंग स्लो है तो दूसरी तरफ फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा तेज है, और बैटरी बैकअप में डिफरेंस है वो दिखाई देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे बैटरी बैकअप पसंद है, कम बैटरी बैकअप रहेगा लेकिन फास्ट चार्जिंग अच्छी चाहिए, टाइम सेविंग वाला बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप 8 Pro की तरफ देख सकते हैं।
वरना बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए, आप एक बार बैटरी को चार्ज कर दें और आपको दिन में एक भी बार टाइम नहीं मिलने वाला है आपका फ़ोन बार बार चार्ज करने के लिए, तो आप 10 प्रो मैक्स की तरफ देख सकते हैं। और अब बात करते रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो दोनों ही फोन्स में LPDDR4X रैम वेरिएंट दिखाई देता है, लेकिन जो स्टोरेज है उसमें डिफरेंस दिखाई देता है। 8 प्रो में 2.1 UFS 2.1 जो है वो स्टोरेज दिखाई देता है, एज कम्पेयर टू 10 प्रो मैक्स में जो है 2.2 UFS 2.2 स्टोरेज जो है वो दिखाई देता है। अब UFS 2.2 जो है ये थोड़ा सा तेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखाई देगा। और जो Realme का UI होता है उसके अंदर एड्स और ब्लोटवेयर जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं Xiaomi के UI के साथ, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ जो 10 Pro Max है उसके अंदर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जो है वो देखने को मिलेंगे, वो आप मिसिंग करेंगे 8 Pro अगर आप लेते हैं तो, वहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आपको Redmi Note 10 Pro Max जो है वो लेने चाहिए अगर आपको पसंद है बड़ा डिस्प्ले जो कि हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बड़ी बैटरी बैकअप और बड़ा कैमरा। ये तीन चीज़ें अगर आप देख रहे किसी फ़ोन में और 20,000 के अराउंड आप फ़ोन देख रहे तो आपको वो फ़ोन लेना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपको बहुत सारे एड्स नहीं चाहिए, फास्ट चार्जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होनी चाहिए, मतलब आप अगर 10 मिनट फोन को चार्ज करते हैं तो 20-30% से ऊपर फोन जो है वो चार्ज होना चाहिए, ऐसी फास्ट चार्जिंग अगर आप चाहते हैं। और आपको Realme का फ़ोन जो है वो पसंद आता है, Realme का UI जो है वो पसंद आता है, तो आप Realme 8 Pro इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। और इन दोनों फोन्स के साथ अगर आपका बजट 20,000 है तो आप Realme X7 जो है उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर Dimensity 800U ये फ्यूचर प्रूफ चिपसेट दिखाई देता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब परफॉर्मेंस में कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन से कभी भी Realme X7 जो है ये बेटर परफॉर्मेंस देगा, और आप इस फोन को 2 से 3 साल से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 5G आने के बाद Dimensity 800U चिपसेट जो है ये 5G को सपोर्ट करेगा, इस वजह से आप उस फोन को अगले 3 से 4 साल तक यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए और आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों Under 20,000 इन तीनों में से आपको कौन सा बेटर फ़ोन लग रहा है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।